हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास टेंथ की लेसन 1 द फाउंटेन का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। सो आप लोग कंसंट्रेटली पढ़ेंगे। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्नता, प्रसन्न। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स मतलब सभी मौसम में प्रसन्न है। यहाँ किसकी बात हो रही है, आप तो जानते ही हैं, फुहारे की बात हो रही है कि फुहारा हर मौसम में प्रसन्न है। स्टिल सीमिंग बेस्ट और हमेशा सीमिंग बेस्ट मतलब सबसे अच्छा प्रतीत होता है। सीमिंग मीन्स प्रतीत होता है, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, मतलब सदैव सबसे अच्छा प्रतीत होता है कोई भी मौसम हो। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, आर मीन्स अथवा, डाउनवर्ड मीन्स नीचे की ओर। ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर हो, सदैव सबसे अच्छा प्रतीत होता है। मोशन दाई रेस्ट, इसी में फव्वारे का आराम है। मोशन दाई रेस्ट, रेस्ट मीन्स आराम, इसी में ही उसका आराम है। ऊपर में, ऊपर जाने में और नीचे आने में, इसी में फव्वारे का आराम है। अर्थात पोएट कह रहे हैं कि यह प्रत्येक मौसम में खुश और प्रसन्न है, प्रत्येक मौसम में सबसे अच्छा प्रतीत होता है, ये कभी रुकता नहीं है, यह ऊपर और नीचे आता जाता है, इसी में फव्वारे का सुख है, आनंद है। इसका आराम इसी में है, ऊपर और नीचे जाने आने में। नेक्स्ट है फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ ए नेचर मीन्स प्रकृति से भरा हुआ, नेचर मीन्स प्रकृति और फुल मीन्स भरा हुआ, प्रकृति से भरा हुआ। नथिंग कैन टेम, टेम का मतलब होता है पालतू बनाना या बाधित करना, मीन्स कोई भी इसे बाधित नहीं कर सकता या नियंत्रित नहीं कर सकता, किसे, फुहारे को। चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम, चेंज मीन्स परिवर्तनशील है या बदलता है। एवरी मोमेंट मीन्स प्रत्येक क्षण, मीन्स प्रत्येक क्षण यहाँ बदलता है। एवर द सेम तो भी सदैव एक सा ही रहता है। इस लाइन का मीन्स है, मतलब है हर क्षण पानी फुहारे का ऊपर जाता है, नीचे आता है। जो फुहारे का पानी है वो ऊपर जाता है और नीचे आता है, उसकी आकृति एक समान ही दिखती है, एक एंगल पर ही उठती है और एक ही एंगल पर गिरती है हमेशा। नेक्स्ट है सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस, सीजलेस मीन्स निरंतर, एस्पायरिंग मीन्स ऊपर उठता है, मतलब निरंतर फव्वारा जो है वो ऊपर उठता है। सीजलेस कंटेंट निरंतर संतुष्ट रहता है, मतलब अपने कंटेंट से उस समय हमेशा खुश रहता है। डार्कनेस आर सनशाइन, चाहे गहरा अंधेरा हो या सनशाइन सूर्य का प्रकाश हो, हमेशा वो ऊपर की ओर ही उठता है। दाई एलिमेंट, एलिमेंट मीन्स होता है तत्व, जो इसका नेचर है अर्थात स्वभाव है फव्वारा, उसी में रहता है, अपनी ही गति में रहता है। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हर्ट बी फ्रेश चेंजफुल कंस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस फाउंटेन, आप जो पोएट आपके हैं वो संबोधित करते हैं फाउंटेन को, बोलते हैं अरे शानदार फव्वारे, शानदार, ग्लोरियस मीन्स शानदार। लेट माई हर्ट बी फ्रेश, मुझे भी अपने हृदय को ताज़ा हो जाने दो, मीन्स आप अपनी तरह ही मेरे हृदय को भी ताज़ा, ताजगी से भर दो। जिस प्रकार आप सदैव ताजे रहते हैं, तरोताज़ा महसूस होते हैं देखने में, उसी प्रकार मेरे हृदय को भी ताजगी से भर दो। चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी मीन्स परिवर्तनशील, चेंजफुल मीन्स परिवर्तनशील, कॉन्स्टेंट स्थिर, ऊपर की ओर गतिवान हो जाए। मेरा भी हृदय आपकी तरह ताज़ा, परिवर्तनशील, स्थिर और गतिवान हो जाए। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन था। अब मैं पूरे पोएम की समरी पर डिस्कस करूँगी कि पोएट द फाउंटेन लेसन में कंपैरिजन फव्वारे से क्यों करता है,
कि जिस प्रकार फव्वारा सूर्य के प्रकाश में, चांद के प्रकाश में और तारों के प्रकाश में हमेशा आगे ही आगे बढ़ता है, कोई भी मौसम हो उसे रोक नहीं पाता। वह प्रतिदिन अपने एक ही उद्देश्य की ओर निरंतर प्रगति करता है, आगे बढ़ता है। उसी प्रकार हमें भी बिना थके, बिना रुके, मात्र अपने उद्देश्य की ओर फव्वारा की तरह पूरी ताजगी से आगे बढ़ना है। और जब तक आगे ही आगे बढ़ना है, जब तक आपका जीवन है, जब तक आप अपने उद्देश्य तक ना पहुंच जाएं, जब तक आप निरंतर आगे ही आगे बढ़िए फव्वारे की तरह। सो स्टूडेंट्स, अब ये लेसन आपका कंप्लीट होता है द फाउंटेन, और मैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन 2 द साम ऑफ लाइफ लेकर आऊँगी। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि अगले आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे।